हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इट्स व्यू। और आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ये वाला लुक, जो कि है करवा चौथ वाला लुक। सो आई एम लेट बट देर आए, दुरुस्त आए। इफ़ यू वांट टू नो हाउ आई गॉट दिस लुक देन कीप ऑन वॉचिंग द वीडियो एंड या लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आई एम स्टार्टिंग विद माई आईब्राउज एंड मैंने यहाँ पे एक आईब्रो किट लिया है। और फर्स्ट मैं क्या करूँगी, आईब्रो को लोअर डायरेक्शन में कॉम कर लूँगी, उसके बाद जो ब्राउन शेड है उससे फिल करूँगी फर्स्ट। तो गैप्स जो है वहाँ पे फिल करना है। एक सेम पैलेट में से ब्लैक कलर को पिक करूँगी और आईब्रो की जो सेकेंड पार्ट होता है, लास्ट पार्ट होता है, उसको फिलअप करूँगी, जैसे मैं यहाँ पे कर रही हूँ। मैं आईब्रो को क्लीन कर रही हूँ और शैडो के लिए प्राइम कर रही हूँ अपने आईलिड को। नेक्स्ट मैं ये सेम आईब्रो किट में से ब्राउन कलर को पिक करूँगी एक स्मॉल फ्लफी सा ब्लेंडिंग ब्रश में और अपनी क्रीज में इसको प्लेस करके ब्लेंड कर लूँगी। नेक्स्ट मैं पिक करूँगी एक ब्राइट सा पिंक कलर स्विस ब्यूटी की पैलेट में से और इसको मैं अपनी आउटर भी से लेते हुए मिडल आईलिड तक उसको ले जाऊंगी और उसको जो क्रीज लाइन है उसके साथ अच्छी तरीके से ब्लेंड कर रही हूँ, जैसे मैं यहाँ पे कर रही हूँ। नेक्स्ट आई एम टेकिंग अ ब्लेंडिंग ब्रश और मैं आई शेडो को अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लूँगी। नेक्स्ट मैं सेम पैलेट में से ये ऑरेंजी शेड को लूँगी और जो बचा हुआ पार्ट है उसमें लगा लूँगी। कलर को थोड़ा सा और इंटेंसीफाई करने के लिए कॉपरी काइंड ऑफ अ कलर को मैं लूँगी और पहले वाला जो शेड है उसके ऊपर मैं इसको प्लेस कर दूंगी अपनी फिंगर की मदद से ही एंड उसको ये मदद से ही मैं ब्लेंड कर। सो नेक्स्ट आई एम टेकिंग स्टेगो की लाइनर और उसकी मदद से मैं एक थिक सा विंग लाइनर ड्रॉ करूंगी। सो मैं अपनी ब्राउ बोन को थोड़ा सा हाईलाइट कर लूंगी यहाँ पे। आज मैं दोनों प्राइमर यूज़ करने वाली हूँ। फर्स्ट मैं ये लैक्मे का ब्लर परफेक्टिंग प्राइमर लूँगी और अपनी फिंगर की मदद से उसको स्प्रेड कर लूँगी। नेक्स्ट मैं स्किन को थोड़ा सा ग्लोई दिखाने के लिए ओरिफ्लेम का प्राइमर यूज़ करूँगी और मैंने इसको थोड़ा सा ज़्यादा ही ले लिया और या इसको ब्लेंड कर लूँगी अच्छी तरीके से। तो बेस लॉन्ग लास्टिंग होना ज़रूरी है तो इसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ लॉरियल का फाउंडेशन और इसका जो भी शेड नंबर है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो चेक कर लेना एंड या इसको मैं ब्लेंड कर लूँगी अच्छी तरीके से। नेक्स्ट टेकिंग कंसीलर और अपनी जो फेस है उसको कंसील कर लूँगी। फेस को सेट करना बहुत ज़रूरी होता है तो इसके लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ लूज पाउडर, ये है मिस क्लेयर की एंड या मैं पूरी फेस को सेट कर लूँगी। तो नेक्स्ट मैं सेमी आईब्रो किट को लूँगी और इसमें से ब्राउन शेड को लेके अपनी फेस को थोड़ा सा चिजल्ड अप कर लूँगी एंड या ये बहुत मल्टीपर्पज़ है ये किट। नेक्स्ट मैं ब्लश लूँगी और अपनी फेस में लगा लूँगी फॉर दैट इंस्टेंट ग्लो ऑन माय फेस। सो द नेक्स्ट थिंग इज़ हाइलाइटिंग, दिस इज़ माय फेवरेट गाइस एंड मैं अपनी फेस की हाईएस्ट पॉइंट को हाईलाइट कर लूँगी। तो हाईएस्ट पॉइंट वही होता है जो हमारी फेस की जो हड्डी होता है ना, तो नोज़ के ऊपर एक हड्डी फील होता है, जहाँ पर मैं यहाँ पर हाईलाइट कर रही हूँ वहाँ पर एक हड्डी फील होता है, तो या मैं उस जगह पर हाईलाइटिंग कर लूँगी फॉर दैट ग्लो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ लिपस्टिक एंड मैं यहाँ पे ब्लू हेवन का लिपस्टिक लगा रही हूँ। ये बहुत ज़्यादा ऑरेंज ही लग रहा था तो मैं इसलिए लिक्विड लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे। तो मैं लोअर लैश लाइन को बिल्कुल ही भूल गई थी तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ रिमल लंदन का ये ब्राउन कलर का पेंसिल और अपनी लोअर लैश लाइन में लगा लूँगी इसको। सो नेक्स्ट आई एम हाईलाइटिंग माई इनर कॉर्नर। सो या मैं थोड़ी सी मस्कारा लगा लूँगी। तो मैं यहाँ पे कोई भी फॉल्स आईलैश यूज़ नहीं कर रही हूँ, अगर आप चाहते हो तो कर सकते हो बट आई थिंक नहीं करना ही बेटर होगा। सो या मैं यहाँ पे मस्कारा लगा लूँगी, इग्नोर माय फेस एंड या। सो या दिस इज़ द फाइनल फिनिश लुक। मैंने एक बिंदी और ऑर्नामेंट सिंदूर एंड गजरा के साथ ये मेकअप लुक को कम्प्लीट कर लिया एंड आई लव द मेकअप हाउ इट turn out to be।
सच में यार आई लव दिस लुक। सो आप लोगों को कैसा लगा और आपने वीडियो एंजॉय किया कि नहीं मुझे ज़रूर बताइएगा। सो या से ढेर सारे वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, थोड़ा सा लव दिखाइए, लाइक कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड प्रेस द बेल आइकन नेक्स्ट टू इट सो यू नेवर मिस आउट ऑन दिस अमेजिंग वीडियोस एंड स्टे ट्यून्ड, टेक केयर एंड बाय।